Live, a platform to sharing your thoughts. राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ और टासो की ओर से राजधानी जयपुर में 23 फरवरी से एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें साथ ही कॉन्फ्रेंस भी होगी। इसमें एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री को प्रदर्शित किया जाएगा। राजस्थान के साथ पूरे देश में यह अपनी तरह का पहला आयोजन है जिसमें पूरे उद्योग को एक मंच मिलेगा और किस तरह से देश और प्रदेश का एग्रीकल्चर और फूड उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना पाएगा, इसकी कोशिश इस आयोजन के माध्यम से की जाएगी। और क्या क्या उद्देश्य हैं इस आयोजन के, इस पूरे प्रदर्शनी के, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता। इनसे बात करेंगे। सर, क्या उद्देश्य और किस तरह के क्या क्या फीचर होंगे इस प्रदर्शनी के, इस पूरे आयोजन के? देखिए, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ और टेसो ने मिलकर के एक 23-24-25 फरवरी को न केवल एक एग्जीबिशन बल्कि एक कॉन्फ्रेंस दोनों को साथ साथ आयोजित किया है। और ये JECC जो इंडस्ट्रियल एरिया है या सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर का, इसमें विशाल रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में करीब 500 स्टॉल्स हमने प्लानिंग की हैं और कॉन्फ्रेंस में हमें आशा है कि हमारी सभी मंडियों के 247 मंडियों के, तेल मिलों के, दाल मिल, आटा मिल, जिन्हें फैक्ट्रियाँ, सभी सदस्य इसमें भाग लेंगे। ये मेन करके हमने अभी ये विचार किया, एक हमारी मीटिंग हुई थी, इसमें ये विचार हुआ कि राजस्थान की मंडियों में माल तो आता है पर माल आकर के इसका जितना बड़ा माल हमारा राजस्थान आज पैदा कर रहा है उसका जो यूँ कह सकते हैं कि उसका उत्पाद नहीं तैयार किया जा रहा है। और उस उत्पाद के तैयार नहीं किए जाने के कारण हमें जो राज्य को जो वैल्यू एडिशन मिलना चाहिए, जो किसानों को वैल्यू एडिशन मिलना चाहिए, व्यापारियों को जो वैल्यू एडिशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि हम ऐसी मशीनरियाँ जो नए उद्योग को स्थापित करने में हमारे नए रोज़गार प्राप्त करने वाले लोगों को सहायता करें, उनको हम एक जगह पर लाकर उन मशीनों के बारे में समझाएं, उनकी आवश्यकताओं के बारे में समझाएं और उनको किस तरह से वो लगा सकते हैं ये बातें भी हम समझाएं। और इसी के साथ साथ वहाँ पूरे राजस्थान गवर्नमेंट के और केंद्र सरकार के लोग भी रहें और वो उनको शिक्षित प्रशिक्षित कर सकें। और इसके साथ ही हमने ये भी किया कि ऐसी इंडस्ट्री जो अभी तक हमारे यहाँ राजस्थान में प्रचुर मात्रा में लग जानी चाहिए थी, हम विपुल मात्रा में कृषि उत्पाद करने लग गए हैं और उसके बावजूद भी हमारी इंडस्ट्री नहीं आ रही है और उसी कारण से हमारा युवा बेरोज़गार होता हुआ चला जा रहा है। तो हमने ये प्लानिंग भी की कि करीब 3 लाख लोगों को हम इस अभियान के माध्यम से नौकरियां उपलब्ध करा सकें, ऐसा भी हमने एक प्रयास इसमें किया है। ये इंडस्ट्री जो आने वाली इंडस्ट्री है न केवल देश के सभी प्रांतों से आ रही है परंतु जो मशीनरियाँ बाहर के लोग भी यहाँ ला करके अपना प्रदर्शित करेंगे, ऐसा हमने एक प्लान तैयार किया है। और इस प्लान के माध्यम से 23-24-25 तारीख को हम राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी इस समारोह का उद्घाटन करेंगे और इसमें कई सारे लोग शामिल होंगे, जो विभिन्न विभागों के मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे और मेरे राज्य के जितने भी कृषि मंडियों के 247 कृषि मंडियों के वो सदस्य, तेल मिलें, दाल मिलें, आटा मिलें, जिनिंग फैक्ट्रियां, सभी इसमें शिरकत करेंगी। बाहर के विदेश के सभी प्रांत, देश के जो हमारे जितने भी देश के प्रांत हैं उनके सभी अध्यक्ष और मंत्री इसमें शिरकत करेंगे और केंद्र सरकार से भी मंत्री इसमें शामिल होंगे। आयोजन के जो सहयोगी टासो के प्रतिनिधि सुबीर राजपुरोहित जी भी हैं। सुबीर जी, किस तरह का इसका आयोजन रहेगा 3 दिन तक, और एक्सपो भी इसमें है, देश विदेश के यहाँ प्रतिनिधि इसमें आ रहे हैं, तो क्या क्या हाईलाइट्स रहेंगी? इसमें 3 दिन का प्रदर्शनी और एक्सपो रहेगा और ये एक्सपो से भारत और विदेशों से सोए बहुत से बड़े बड़े पैकेजिंग, फूड ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन सब के बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं, ठीक है। और ये प्रोग्राम पतंजलि के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है, पतंजलि हमारा टाइटल स्पॉन्सर रहेगा, ठीक है। और इस प्रोग्राम में
करीब 400 से ऊपर हमारे वर्बल कन्फर्मेशन है और बहुत बड़े लेवल पे ये प्रोग्राम हो रहा है। राजस्थान में ऐसा प्रोग्राम आज़ादी के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, ऐसा इतना बड़ा एग्जीबिशन, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एग्जीबिशन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। और तिरुमला ग्रुप है, कुट्टे ग्रुप, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। महालक्ष्मी मशीनरी हैं, नॉस्टिक टेक्नोलॉजी हैं, गुजरात हीट हैं, न्यू टेक हैं, ऐसे करके बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनियां सारी इस एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रही है एज ए एग्जीबिटर, ठीक है। और इसमें करीब करीब हम आशा कर रहे हैं कि 40 से 50 हज़ार विजिटर इसको विजिट करेंगे। तो इस एग्रीकल्चर एंड फूड एक्सपो में देश विदेश की जानी मानी कंपनियां भाग ले रही हैं। यहां पर एक ही मंच पर ट्रेडर, बायर, मैन्युफैक्चरर और किसान एक साथ मंथन करेंगे कि किस तरह से उद्योगों को आगे ले जाया जा सके, साथ ही देश और प्रदेश के विकास में यह इंडस्ट्री किस तरह अपना योगदान दे सके। राजस्थान में यह पहला आयोजन है और उम्मीद करते हैं यह सफल होगा और इसके बाद हमेशा इसे हर साल आयोजित किया जा सकेगा। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ बीके शर्मा, सिटी लाइव, जयपुर। City Live, a platform to sharing your thoughts.